हेलो दोस्तों, मैं आपका कबीर राव, आपसे भी का स्वागत है हुसन स्टूडियो में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग फेस स्मूथ करने वाले हैं, स्किन स्मूथ, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है वीडियो, तो चलिए बने रहिए रास्ते तक। तो आप लोगों को पहले कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा, जो कि आप लोग पहले भी देखे होंगे फोटोशॉप का कुछ इस टाइप का इंटरफेस। उसके बाद आप लोग को करना क्या, फर्स्ट स्टेप आप लोग को रिमूव पिम्पल्स, दाग धब्बा यह सब हो रहा है फेस पे, वो आप लोग करना है। उसके लिए आप लोग को यहाँ से जाना है, ब्लैक एंड वाइट आप लोग को इफेक्ट एक ले लेना है। मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को क्यों ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट लेना है। उसके बाद आप लोग को रेड का है जो कम कर लेना है, यानी कि ब्लैक साइड का कर लेना है। फिर येलो का भी आप लोग को थोड़ा कर लेना है कम। यहाँ पे बाकी मैं आप लोग को बता दूँ, एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग वाइट तरफ जाओगे तो वाइट होगा फेस, अगर आप लोग ब्लैक तरफ जाओगे तो ब्लैक होगा फेस। तो आप लोग को करना क्या है कि आप लोग को ब्लैक तरफ ही रखना है, ताकि आपका जो पिम्पल है जो अच्छे से दिख जाए। जी हाँ गाइस, आप लोग को मैं इसीलिए ब्लैक एंड वाइट का इफेक्ट लेने के लिए बोला, क्योंकि जो भी छोटा छोटा पिंपल, दाग धब्बा, ये सब आप लोग को अच्छे से प्रूवल देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग अच्छे से उसको हीलिंग करके रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये ब्लैक एंड वाइट, आप हमेशा यूज़ कीजिए। उसके बाद आप लोग को लेयर वन पर आप लोग को सिलेक्शन रखना, यानी कि आप लोग को लेयर वन सिलेक्शन रखना है, और जो इफेक्ट वाला लेयर है उसको आप लोग को नहीं सिलेक्शन रखना, यानी कि उसको सिलेक्ट नहीं करना है। फिर यहाँ से आप लोग हीलिंग टूल या पेज टूल से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ थोड़ा जूम करके कि इस टाइप से आप लोग को शॉट हुआ। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हुए आप लोग यहाँ पे सर्कल बना के और उसको थोड़ा सा यहाँ से जहाँ पे आप लोग घिस सकते हो, घिस के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो पिम्पल है जो रिमूव हो गया। बट ऐसे आप लोग करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा है कि आप लोग डायरेक्टली हीलिंग टूल से ही, पैच टूल की यूज ना करके हीलिंग टूल से ही आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर गोल एक सर्किल बनाया और इसको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो रिमूव हुआ है। बट आप लोग को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं हीलिंग टूल ले लेता हूँ, जो कि एक टैप में ही आप लोग टैप करते जाओ और रिमूव खुद खुद होते जाएगा कुछ इस टाइप से। तो आप लोग को भी कुछ ऐसे ही करना है, तो काफ़ी अच्छा है ये हीलिंग टूल, मैं यूज करता हूँ और आप लोग भी यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा क्या प्रोसेस है, जो तो पहले मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा फास्ट करके। यहाँ आप लोग को अच्छे से कर लेना है टाइम देकर, मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग को सिर्फ बता रहा हूँ। तो आप लोग को भी कुछ इस टाइप से ही कर लेना है, हेयर वगैरह जो भी फेस पे आते हैं वो भी अगर हो सकता है रिमूव तक कर लीजिएगा। तो फाइनली मेरा ये हो गया है, आप लोग देख सकते हो बिफ़ोर, यानी कि इफ़ेक्ट का मैं लेयर डिसेबल करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो काफ़ी अच्छा हो गया हमारा हीलिंग, जो पिम्पल वगैरह दाग धब्बे हैं और वो रिमूव हो गया है। तो आप लोग को भी कुछ इस टाइप से कर लेना है, बाकी मैं नीचे थोड़ा सा बच गया तो इसको मैं भी रिमूव करता हूँ। और जो थोड़ा थोड़ा हेयर आप लोग को फेस पे आ जाता है, आप लोग का जो सब्जेक्ट रहता है उस पे आ जाता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। बाकी मैं ज़्यादा कुछ हेयर रिमूव नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा दिखने में। ज़्यादा हेयर आप लोग भी रिमूव ना करें तो अच्छा है, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा, आप लोग को भी डिलीट कर देना है वो जो इफेक्ट लिए थे। अब आप लोग को एक डुप्लीकेट ले बनाना है, और इसमें मैं कलर का यानी कि कैमरा और फिल्टर यानी कलर एडजस्ट कर लूँगा, तो आप लोग को भी कलर एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। तो अगर आप लोग को कलर एडजस्ट वाला ट्यूटोरियल चाहिए तो उसके लिए मैं अलग बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ स्किन स्मूथ के लिए है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो। इसलिए कलर एडजस्ट का अगर मैं बताऊँगा तो मिनिमम 30 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया हूँ और यहाँ से एडजस्ट कर लिया हूँ। आप लोग को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है, और फिर आप लोग डिसेबल इनेबल करके देख सकते हो बिफ़ोर आफ्टर। और मैं यहाँ पे जो ए है इसको मैं कलर रीनेम कर दूँगा, CURR, हाँ यहाँ पे मैं कलर कर दूँगा रीनेम। और फिर इसको जो बीच वाली है जिसको मैं हीलिंग किया हूँ ए लेयर में, तो मैं इसको हीलिंग वाले, यानी कि मैं आप लोग को दिखा दूँ कि इस वाले टूल से मैं यहाँ पर हीलिंग किया था, जो कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है, इस वाले टूल से हम यहाँ पर हीलिंग किए थे, तो इसलिए मैं इसका रीनेम करके हीलिंग ही रख दूँगा ए लेयर का। तो आप लोग को भी यहाँ पे टाइप कर देना है हीलिंग, आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग को टाइप कर देना हीलिंग। और उसके बाद मैं एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा कलर का, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूं, यानी कि हाई पास का, क्योंकि अब हम इसमें देने वाले हैं हाई पास। तो
तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर दूँगा हाई पास के नाम से। आप लोग को यहाँ पे करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ए लेयर में मैं किस टाइप से वर्क किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रीनेम कर रहा हूँ। अगर आप लोग करें भी तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सैचुरेशन में कम कर लेता हूँ, बाकी मैं आगे मैं स्किन स्मूथ करने के बाद थोड़ा सा कलर भी एडजस्ट करूँगा, बट अभी इतना ही। फिर हाई पास एंड ब्लर यानी कि गॉसियन ब्लर और हाई पास मैं इसमें ऐड करूँगा, तो उसके लिए मैं कंट्रोल या कमांड आई प्रेस करूँगा तो आप लोगों का कुछ इस टाइप से होगा। अब ब्लेंडिंग मोड आप लोग को भी विन लाइट रख लेना है, तो मैं यहाँ से भी विन लाइट, अब आप लोग सब्जेक्ट का इमेज देख सकते हो कुछ इस टाइप से भद्दा टाइप का हो गया। फिर आप लोग को फिल्टर में जाना है, अदर पास में हाई पास में यहाँ पर ले लेना है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस वो काफ़ी अच्छा आ गया है जो ब्लर टाइप का दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ पे इस हद तक लीजिए ताकि आप लोग का जो फेस है जो स्मूथ दिखे, जो दाग धब्बे वो बिल्कुल ना दिखे, तो मैं इतना ही लूँगा। मैं तो अभी वर्क कर रहा हूँ फोटोशॉप से इसी 2021 में, तो आप लोग का भी कोई सा भी वर्जन हो ये वर्क करेगा, सिर्फ ओनली ओल्ड ज़्यादा ओल्ड वर्जन में अगर यूज कीजिएगा तो नहीं करेगा, जिसमें कैमरा रोल फिल्टर है उसी में वर्क करेगा। तो यहाँ से मैं फिर ब्लर पर जाने के बाद गॉसियन ब्लर ले लूँगा और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से समझ लूँगा, यानी कि यहाँ पे कुछ इतना तक मेरा ठीक है और मैं इसे थोड़ा दे लूँगा 10 के लगभग में, मैं यहाँ पे लूँगा 10 के लगभग में। तो मैं पहले देख लेता हूँ कितना तक अच्छा लगेगा, कितना ब्लर चाहिए मुझे फेस पे। जी हाँ गाइस, आप लोग को ब्लर से ही फेस स्मूथ होगा। आप लोग भी अगर फर्स्ट बार सुन रहे होंगे तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ब्लर से कैसे होगा, तो आप लोग आगे देखते जाओ, इसलिए तो मैं बोलता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो और देखते जाओ कैसे कैसे मैं करता हूँ। जो यहाँ पे एक मास्क ले लेना है और यहाँ पे कंट्रोल आई कीजिएगा तो आप लोग का पहले वाला आ जाएगा, यानी कमांड या कंट्रोल, मैं तो अभी एप्पल पे यूज करूँ इसलिए मैं कमांड आई प्रेस किया हूँ। यहाँ से आप लोग ओपेसिटी फॉलो यहाँ पे देख सकते हैं 100 या 10, यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से रख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को स्मूथली धीरे धीरे यहाँ पर चलाना है, तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो फेस है वह स्मूथ हो रहा है, तो आप लोग को भी कुछ इस टाइप से कर लेना है। सब्जेक्ट का फेस है वो बहुत अच्छे से रिमूव हुआ, मक्खन की तरह यहाँ पे स्मूथ हो रहा है। तो ये स्मूथनेस किसी में भी, यानी कि आप लोग कितना भी कुछ कर लो नहीं मिलने वाला है, आप लोग इसे हाई पास से ही ब्लर से ही आप लोग ये स्मूथ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी वीडियो फास्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ हद तक स्मूथ हो गया है, और मैं ऊपर भी कर लेता हूँ। और आपका जो हेयर वाली साइड है उसमें भी आप लोग अगर इसमें करते हो, इसमें आप बाल हो गया, लिप्स हो गया, ये सब पे आप लोग ना ही चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो सब ऐसे ही अच्छा है, क्योंकि उसमें डिटेल रहता है तो भी अच्छा। तो मैं यहाँ पर अच्छे से कर लेता हूँ, आप लोग को भी बारीकी, अगर आप लोग फर्स्ट बार कर रहे हो तो 5-6 बार ट्राई कीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। मैं भी फर्स्ट में बहुत बार ट्राई किया था तब मेरा जाके हुआ था, तो आप लोग भी अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी ना करें, फिर आप लोग बाद में नहीं बोलिएगा कि मेरा नहीं हुआ। तो अब हम लोग आएँगे एडजस्ट कलर पर, यानी कि आप लोग जो मैं कलर रिमूव किया था सेचुएशन में सब ये सब मैं दूँगा। तो इस पर मैं वीडियो इसलिए नहीं आप लोग को दिखाऊँगा क्योंकि इस पर अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं शार्पनेस और नॉइस रिडक्शन दूंगा जिससे और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए हमारी फेस है, जो डिटेल एक निकल के आ जाए। अगर आप लोग इसमें सब्जेक्ट में शार्पिंग दोगे तो आपका जो इमेज है जो काफ़ी अच्छा तक आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग देख सकते हो बिफोर आफ्टर, आप लोग खुद इसको देखिएगा, ऐसे आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा। बाकी हमारा जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जी बाकी बहुत ही अच्छा HD क्वालिटी में, बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पता नहीं किस टाइप से थोड़ा क्वालिटी कम दिखा रहा होगा। बाकी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ कर्व ये सब आप लोग को भी कर लेना है। तो यहाँ पे फाइनली डन हो गया, मैं ओके प्रेस कर दूँ। कुछ प्रोसेस होने के बाद मैं आप लोग को बिफोर आफ्टर दिखाऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कुछ देर तक वेट कर लेता हूँ तो क्योंकि हमारा फेस है जो भी थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा इमेज है जो काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है देखने में, तो आप लोग को भी ऐसे ही कर लेना है। कुछ इस टाइप का हमारा इमेज था। फिर मैं जब हीलिंग को ऑन किया तो हमारा हीलिंग रिमूव हुआ, फिर यहाँ पे फेस का, फिर यहाँ पे कलर का,
तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो इमेज है जो काफी अच्छा लगता है देख। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा फेस स्मूथ से। तो चलिए भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।